हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर टुडेज क्लास। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 10, नेचुरल डिजास्टर एंड माइटिगेशन। यहाँ हमारा चैप्टर 10 है, नेचुरल डिजास्टर एंड माइटिगेशन, इसे स्टार्ट करेंगे। इन अवर प्रीवियस क्लास वी डिड द वर्ड्स मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर एंड आई होप यू राइट डाउन देम इन योर नोटबुक एंड लर्न इट टू। सो टुडे वी विल रीड दिस चैप्टर, सो लेट स्टार्ट। नेचुरल डिजास्टर एंड माइटिगेशन। नेचुरल डिजास्टर का मीनिंग होता है प्राकृतिक आपदाएं, यानी जो नेचुरल की तरफ से या नेचर की तरफ से हमारे पास जो परेशानियां आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, वो सब जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड माइटिगेशन का मीनिंग होता है शमन यानी शांति, यानी उन परेशानियों से हम किस तरह से बच सकते हैं या उन परेशानियों का मुकाबला सामना हम कैसे करेंगे या करते आए हैं, उन सब बातों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेचर हैज़ प्रोवाइड लाइफ ऑन द अर्थ। नेचर हैज़ प्रोवाइड लाइफ ऑन द अर्थ। नेचर मीन्स प्रकृति, हैज़ प्रोवाइड लाइफ ऑन द अर्थ, वो क्या करती है अर्थ पे यानी ज़मीन पे जो है लाइफ प्रोवाइड करवाती है। लाइफ किसकी वजह से चलती है अर्थ पे? नेचर की वजह से, नेचर से ही हमें जो है अर्थ पे लाइफ देखने को मिलती है। नेचर इज़ नॉट ओनली अ क्रिएटर ऑफ द डिफरेंट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नेचर इज़ नॉट ओनली अ क्रिएटर, नेचर जो है सिर्फ एक क्रिएटर ही नहीं है ऑफ डिफरेंट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हमें अर्थ पर देखने को मिलती है, इन नेचर इनकी क्रिएटर ही नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो अ डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस थिंग्स। और ये क्या करती है, इन चीज़ों की डिस्ट्रॉयर भी है, यानी इन चीज़ों को नष्ट करने वाली, ख़त्म करने वाली भी है नेचर की। यानी कि जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति सिर्फ क्या हमारी क्रिएटर ही नहीं है, सिर्फ नेचर ने हमें बनाया ही नहीं है। जितनी भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो अर्थ पे हमें देखने को मिलती है, उसे नेचर ने सिर्फ बनाया ही नहीं, बल्कि नेचर इन्हें ख़त्म करने का काम भी करती है। नेचर क्लाइमिटीज, नेचुरल क्लाइमिटीज आर दिस डिस्ट्रॉयर। और नेचुरल क्लाइमेटी जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो ये डिस्ट्रॉयर होती हैं। कौन होता है ये नेचुरल डिस्ट्रॉयर? कौन होता है? जितनी भी नेचर की तरफ से हमें जो प्रॉब्लम्स मिलती हैं, जो परेशानियां नेचुरली आती हैं, उन्हें कहा जाता है नेचुरल डिज़ास्टर या डिस्ट्रॉयर। दीज आर ऑल्सो नोन एज डिज़ास्टर्स, दीज आर ऑल्सो नोन एज डिज़ास्टर। और इन्हीं डिस्ट्रॉयर्स को क्या कहा जाता है? डिज़ास्टर यानी आपदाएं, मुसीबत या परेशानी कहा जाता है। द डिज़ास्टर सच एज फ्लूट, ड्रॉप्स, अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स, सुनामी, लैंडस्लाइड्स एंड द फॉरेस्ट फायर कॉज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। द डिज़ास्टर्स, डिज़ास्टर्स मीन्स जो आपदाएं, जो मुसीबत, जो परेशानियां हैं, जैसे फ्लूड यानी फ्लूड मीन्स बाढ़, जब नदियाँ अपने लेवल से ज़्यादा बाहर तक बहने लगती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लूड कहते हैं, जब चारों तरफ पानी ही पानी रहता है। ड्रॉप्स, ड्रॉप्स होते हैं जब बिल्कुल भी पानी नहीं होता, चारों तरफ सूखा हो जाता है। देखिए फ्लूड में चारों तरफ पानी होता है, बट ड्रॉप्स में क्या होता है? सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, पानी और बारिश बिल्कुल नहीं होती है। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक यानी भूकंप, साइक्लोन्स यानी चक्रवात, सुनामी, लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड मीन्स ज़मीन का खिसकना, एंड द फॉरेस्ट फायर और जंगल की आग कॉज ग्रेट लॉस, ये सब कारण बनते हैं ग्रेट लॉस का, एक बहुत बड़ी नुकसान का, एक बहुत बड़ी हानि का, एंड ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़। और ये नुकसान काय का होता है? लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़ का होता है, जिसमें जब इस तरह की मुसीबतें आती हैं, परेशानी आती है, तो कई लोगों की जान भी जाती है और कई प्रॉपर्टीज़ को जो है डैमेज भी पहुंचता है। तो ये सारे जो डिज़ास्टर है कोज बनते हैं लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़ के। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस डिज़ास्टर, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस डिज़ास्टर, चलिए इन डिज़ास्टर्स के बारे में जानते हैं, समझते हैं। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प अस, हेल्प टू फेस दिस नेचुरल क्लैमिटीज़। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट, हम सीखेंगे किसके बारे में?
ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी, ऑर्गेनाइजेशन में संस्थाएं, हम कैसे करेंगे, सिर्फ इन डिज़ास्टर्स के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे जो हमें हेल्प करती हैं टू फेस दिस नेचुरल क्लैमिटीज़, इन नेचुरल क्लैमिटीज़, ये जो नेचुरली परेशानियाँ आती हैं, मुसीबत आती है, इनको फेस करने, इनका सामना करने में जो हमें ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प करती हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे। दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंश्योर द रोल ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिटीज़, और ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है क्या करती हैं, इंश्योर करती हैं क्या रोल ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिटीज़, जो इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ होती हैं अलग अलग, जो दूसरी छोटी कम्युनिटीज़ या संस्थाएं होती हैं उनके रोल को भी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इंश्योर करती है। विल फेसिंग द चैलेंज ऑफ सच डिज़ास्टर, जब इस तरह के चैलेंजेस, इस तरह की मुसीबतों का सामना करते हैं तो उन छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन के रोल को भी ये इंश्योर करती है जो इस तरह के चैलेंजेस में हेल्प करते हैं। ओके, तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो नेचुरल डिज़ास्टर, फ्लूड है, अर्थक्वेक है और ड्रॉप्स हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, प्लस इन इस तरह की जब मुसीबत परेशानियां आती हैं तो किस तरह से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हमें हेल्प करती हैं इनका सामना करने में और इस तरह की मुसीबतों से बाहर निकलने में, इस सारे टॉपिक पे हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। पहले यहाँ पिक्चर में हम डिफरेंट डिफरेंट डिज़ास्टर्स के बारे में देख लेते हैं कि ये डिज़ास्टर होते क्या हैं। ये देखिए यहाँ फर्स्ट पिक्चर, जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी और लोग पानी में डूबे हुए हैं, उनके घर पानी में डूबे हुए हैं, तो इसे कहा जाता है फ्लूड, यानी बाढ़, जब रिवर्स जो है अपने लेवल से ज़्यादा बहने लग जाती है और अपने आसपास के सारे एरिया को जो है वो फ्लूड कर देती है, यानी उसमें बाढ़ लेकर आ जाती हैं, तो इसे कहा जाता है फ्लूड। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए आपको ड्राई जो है ज़मीन नज़र आ रही होगी, बिल्कुल ज़मीन टूट, या देखिए दरारें पड़ी हुई हैं, सूखी हुई हैं, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है, तो ये कंडीशन जो है ड्राफ्ट की होती है, यानी सूखा पड़ जाना, अकाल पड़ जाना, जब कई टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक बारिश नहीं होती और ज़मीन का सारा जो मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाता है, तो इस और उसका जो अर्थ का जब मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, लैंड का जब मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, तो उसकी जो उपजाऊपन है वो भी ख़त्म हो जाता है और फसलें जो है वो ग्रो नहीं हो पाती, तो इसको हम क्या कहते हैं, अकाल पड़ना। नेक्स्ट पिक्चर में यहाँ देखिए, यहाँ आपको कुछ टूटे हुए घर, उसमें दबी हुई गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये कब होता है, जब अर्थक्वेक आता है, यानी भूकंप आता है, जब क्या होता है अर्थ के अंदर, जो अर्थ होती है ज़मीन के अंदर क्या होता है, वाइब्रेशन होता है और वो वाइब्रेशन इतना ज़ोरदार होता है कि अर्थ के ऊपर बनी हुई बड़ी से बड़ी बिल्डिंग, मजबूत बिल्डिंग्स भी जो है गिर जाती हैं, धस जाती हैं, तो उस टाइम पे क्या कहते हैं हम, अर्थक्वेक होती है, यानी जो है भूकंप होता है और उसकी वजह से इस तरह के डिज़ास्टर होते हैं। 2001 में गुजरात में इस तरह का एक भूकंप आया था जिसमें बहुत बड़ा लॉस हुआ था, लोगों की जानें गई थी, प्रॉपर्टीज़ को डैमेज हुआ था, और उस टाइम हमारी जो कंट्री है इंडिया, उस हमारी कंट्री ने मिलकर इस मुसीबत का सामना किया था। नेक्स्ट पिक्चर में आप देखिए सुनामी, सुनामी में क्या होता है, जब समुद्र के अंदर जो लैंड होते हैं उसमें जब भूकंप आता है, तब समुद्र में क्या होता है, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और अपने आसपास जितना भी समुद्र के आसपास का एरिया होता है उसे वो उसमें लेकर बह जाती हैं, उसमें डुबो देती हैं, तो इसे सुनामी आना कहते हैं। एंड ये भी जो है आया था हमारे देश में, चेन्नई और इधर के जो साउथ इंडिया के एरियाज़ हैं इसमें ये आया था, तो और सुनामी आई थी 2004 में जो है इंडिया में सुनामी आई थी और उसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, लोगों की जानें चली गई थी, प्रॉपर्टीज़ जो है वो पानी में बह गई थी। नेक्स्ट पिक्चर में यहाँ देखिए ना साइक्लोन दिखाया गया है, साइक्लोन होता है जिसमें क्या होता है, बवंडर आता है, ये समुद्र में भी आता है और लैंड पर भी आता है, ये याद रखिएगा, जो साइक्लोन होता है, साइक्लोन जो है सब अर्थ पे एंड वाटर में दोनों में ही हो सकता है, इसमें क्या होता है, ये गोल 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 घूमता है और वेव्स होती है जो गोल गोल घूमती है और अपने आसपास जो जितनी भी थिंग्स होती है उसको सब अपने साथ उड़ा के ले जाती है, ये अपने साथ डुबो देती हैं। एंड नेक्स्ट पिक्चर में भी
और यहाँ नेक्स्ट पिक्चर में लैंडस्लाइड का पिक्चर दिखा रखा है, जब जो माउंटेन्स होते हैं उनसे ज़मीन बारिश की हैवी रेनफॉल होने की वजह से, बारिश होने की वजह से जो मिट्टी है वो बह जाती है, और उसकी मिट्टी के बह जाने से क्या होता है, जो रॉक्स होती है उनकी पकड़ कमज़ोर पड़ जाती है, और फिर जो चट्टाने हैं वो माउंटेन से बहकर नीचे आ जाती हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वेज़ में जो है हमें डिफरेंट डिफरेंट डिज़ास्टर्स और जो मुसीबत परेशानियां हैं उनका, नेचुरल डिज़ास्टर्स का सामना करना पड़ता है। सो स्टूडेंट, इन डिज़ास्टर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट आज नहीं, इन आवर नेक्स्ट क्लास का पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।